A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. देखिए अगेन आपके पास कोई एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं. ठीक, तो अब आप देखिए टोटल कितने मार्बल्स हो गए इस बॉक्स में. 5 प्लस 8 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 5 प्लस 8 प्लस 4 विच इज 17. ये जो टोटल नंबर है यही आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 17. एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करना है आगे क्वेश्चन में. आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो आपका हमेशा कितना होगा इस क्वेश्चन में 17. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है आपको. वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम. कोई क्या कर रहा है इस बॉक्स में से रैंडमली एक मार्बल निकाल रहा है, मतलब देख नहीं रहे कि वो रेड है कि वाइट है कि ग्रीन है, रैंडमली कोई भी एक निकाल रहा है. तो आपको मालूम है हो सकता है कि जो एक मार्बल बाहर निकाल रहे हैं वो रेड भी हो, वाइट भी हो सकता है एज वेल एज ग्रीन भी हो सकता है. तो किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वही आपको बताना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. फर्स्ट सेक्शन देखते हैं पहले. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड मार्बल की. नाउ अगेन फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने रेड मार्बल्स अवेलेबल है इस बॉक्स में वो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे. टोटल कितने रेड मार्बल्स हैं, 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा आपका 5 ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. मैंने बता दिया हमेशा इस क्वेश्चन में कितना होगा आपका 17. तो रेड मार्बल की बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/17. सेकेंड सेक्शन देखते हैं. सेकेंड सेक्शन में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी वाइट. वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल. अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, 8, जो टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स है वो 8 ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम स्टिल रिमेनिंग सेम 17. तो सेकेंड सेक्शन का जो आंसर है वो 8/17. इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ 17. ठीक, लास्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा. लास्ट सेक्शन आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन. जो मार्बल बाहर निकाल रहे हैं वो ग्रीन ना हो. ग्रीन ना हो मतलब रेड या वाइट कुछ भी चलेगा लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए. इसको कैसे सॉल्व करूंगा देखिएगा ध्यान से ना. प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज नॉट ग्रीन. ठीक, अब एक कंसेप्ट याद करिए आप. आपको मालूम था किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी जिसको हम ई बार से डिनोट करते हैं, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1. तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन को मैंने जी से लिख दिया, वो कितना होगा, 1. आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. बस यही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. अब बस वैल्यूज पुट करना है, 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में पुट करेंगे आप ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, विच इज 4/ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम स्टिल रिमेनिंग सेम विच इज 17. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 17 माइनस 4/17 विच इज इक्वल टू 13/17. तो ग्रीन मार्बल के नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 13/17. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. Let us now move on to 10th question of the same exercise.